आप भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच सांसें रोक देने वाला पहला T20 मुकाबला देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट के बाद बांग्लादेश को पहले T20 में भी खदेड़ने के लिए कमर कस चुकी है टीम इंडिया। टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने चुन ली है बल्लेबाजी। गिल और सूर्या ने मैदान में उतरकर मचा दिया तांडव। तो आखिरकार कितना हो गया भारत का स्कोर, कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कितने रन बनाकर कप्तान सूर्या ने दिया है, कितने रनों का महत्वपूर्ण योगदान, कौन है सबसे शतक के सबसे करीब, ये सब कुछ हम आपको इस मुकाबले में एक एक लाइव डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको क्या लगता है कि सूर्या, हार्दिक और अभिषेक शर्मा में से कौन खतरनाक T20 खिलाड़ी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि बांग्लादेश की पहली चुनौती टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में कितनी दर्दनाक रही, जहां भारत के शेरों ने बांग्लादेश को 280 रनों से कूटकर उन्हें के मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे में बांग्लादेशी टीम T20 सीरीज में चाहती है कि वो टेस्ट मैच का बदला भारत से निकाल पाए, लेकिन उनके लिए ये चुनौती आसान थोड़ी होने वाली है। कोई भी नहीं भूला है कि कैसे सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मसल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्या और उनकी पलटन के तरफ भारत का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है, वहीं बांग्लादेश का मनोबल बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में ये T20 सीरीज भी जहां तक एक तरफा ही नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बस थोड़ी देर में इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का बिगुल बजने वाला है। पहला T20 मुकाबला 24 सितंबर को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 26 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का कुल फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है, और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करने लगेगा। जैसा हमेशा होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच के हमेशा हमें कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण आप जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर किया जगह, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको कलर्स के रिश्ते सिनेप्लेक्स पर ये चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी, इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं, और कप्तान तो एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उपकप्तान बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल उड़ाते हुए नजर आएंगे, ये दोनों T20 में कितने गेंदबाज, कितने खतरनाक गेंदबाज हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्या का साथ निभाते नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले T20 में लाजवाब काम किया था, साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका मिलेगा, हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर कोई बेकरार है, तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है, इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बीच मैदान में गुस्से में कप्तान रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को गाली देते हुए कर दी उनकी जमकर बेइज्जती। कह दिया कुछ ऐसा सुनकर तो ऋषभ से लेकर कोहली गंभीर के भी उड़ गए होश, आग की तरह वायरल हो गया रोहित का वो बदनामी वाला वीडियो। तो आखिर क्यों रोहित शर्मा अचानक से ऋषभ पंत पर ही भड़क गए? ऐसी कौन सी हरकत कर दी ऋषभ पंत ने कि उन्हें कप्तान से गाली तक खानी पड़ गई? उस मजेदार लम्हे, उस वीडियो को तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित शर्मा ऋषभ पंत को पसंद करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें।
दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 634 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और अपने कमबैक मैच में धमाल मचा दिया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट खेला जहां पर बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों से ही कमाल करते नजर आए। इसी बीच एक घटना ऐसी भी घटी जब पंत ने कैप्टन रोहित शर्मा से रिव्यू लेने की गुहार लगाई, लेकिन इस दौरान उन्हें कैप्टन का साथ नहीं मिला और उन्होंने गाली देकर पंत की बेइज्जती भी की। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। यह घटना बांग्लादेश की दूसरी इनिंग के दौरान घटी। मैदान पर हसन महमूद बैटिंग कर रहे थे और इस दौरान रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग करने आए थे। अश्विन ने 62वें ओवर की तीसरी बॉल पर महमूद को फंसा लिया था। यह बॉल बांग्लादेशी खिलाड़ी के ग्लव से टकराकर विकेटकीपर के हाथों में गई थी, जिसके बाद ऋषभ पंत ने रोहित को रिव्यू लेने को कहा। यहां पर रोहित ने पंत की बात नहीं मानी। उन्होंने अपने विकेटकीपर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिखाया और गाली देते हुए ये तक कहा कि अगर तू ऐसे बोलेगा तो सच वाला रिव्यू रहेगा, वो भी नहीं ले पाऊंगा मैं। आखिर में टीम इंडिया ने रिव्यू नहीं लिया, लेकिन जब बिग स्क्रीन पर घटना का रिप्ले देखा गया तो साफ हो गया है ऋषभ पंत बिल्कुल ठीक थे। अगर रोहित वो रिव्यू लेते तो बांग्लादेश का बल्लेबाज आउट हो जाता। यही वजह है कि पंत हीरो बन गए और रोहित को अपनी गलती पर अफसोस हुआ। हालांकि इसका मुकाबले पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने महमूद को पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने तो ऋषभ पंत को गाली देकर जो किया वो बहुत से लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि करोड़ों फैंस तो रोहित के इसी अंदाज पर फिदा हैं। यहां तक कि रोहित से गाली खाने के बाद भी ऋषभ पंत हंसते मुस्कुराते नजर आए क्योंकि उन्हें पता है कि रोहित ऐसे ही हैं, वो कभी भी सीरियस नहीं होते और ये सिर्फ उन्होंने मजाक में कहा था। लेकिन दोस्तों रोहित को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, इस मोमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कानपुर के मैदान पर टीम इंडिया सिखाएगी बांग्लादेश को सबक। शुरू हो चुका है धांसू दूसरा टेस्ट मैच। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर चुन लिए पहले बल्लेबाजी और मैदान में उतरकर बचा दिया गौरव। तो आखिरकार भारत के दो धुरंधरों यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने मिलकर स्कोर को कैसे पहुंचा दिया 300 रन के पार? कौन सा बल्लेबाज आज पहुंच गया शतक के करीब? कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाकर खेल रहा है? यहां सब कुछ हम आपको वीडियो में लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कितने धमाकेदार तरीके से टीम इंडिया ने जीत का आगाज किया है। चेन्नई के मैदान पर भारतीय टीम ने घमंड में चूर बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर न सिर्फ पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया बल्कि बांग्लादेश को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड भी हासिल भारतीय टीम ने कर लिया, जिसके बाद अब ये कारवां चेन्नई के कानपुर जा पहुंचा है और वहां पर जल्द दूसरे टेस्ट मैच का बिगुल बजने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों अब ये टेस्ट मैच और भी रोमांचक हो चुका है क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब नजमुल हुसैन शांटो जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं, उन्होंने ये तक कह डाला कि भारत को इस बार टेस्ट सीरीज में हम जीतने नहीं देंगे। भारत ने भले पहले टेस्ट मैच में हमें हराया है, लेकिन इस बार भारत रोएगा और देखेगा कि बांग्लादेश को हल्के में लेने का नतीजा क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे में टीम इंडिया इस चुनौती को काफी सीरियसली लेना चाहेगी और ये कोई गीदड़ भपकी नहीं थी क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को उन्हीं की धरती पर टेस्ट सीरीज में रौंद कर आई थी। हालांकि टीम इंडिया के सामने उनकी एक न चली। भारतीय टीम ने पहले ही टेस्ट मैच में उनके घमंड को चूर चूर कर शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को बांग्लादेश से बचकर रहना पड़ेगा। आपको हम बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगर आप भी ये दूसरा टेस्ट मैच लाइव अपनी टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो रिश्ते सिनेप्लेक्स के चैनल पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। हिंदी में भी आप सभी देख पाओगे और अगर आपको मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है जहाँ आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों की यही कोशिश रहेगी कि किसी भी हाल में दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला अपने नाम किया जाए। लेकिन यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनना सबसे अच्छा ग्रीन पार्क स्टेडियम पर रहेगा क्योंकि पिच से पहले स्पिनरों को इतनी मदद मिलेगी नहीं और जैसे जैसे दिन ढलते चले जाएंगे यहाँ पर स्पिनर और भी ज्यादा घातक होते चले जाएंगे, जिसके चलते यहाँ अश्विन पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अब अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों आपको हम बताते चले भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि रोहित शर्मा ने उतारने का फैसला किया है वहाँ कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। जहाँ भारत की तरफ से पहले मैच की तरह इस टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत कर सकते हैं तो वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बाद फिर मैदान पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, हर किसी का दिल जीता। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर विराट कोहली खेल
खेलते हुए नजर आएंगे और विराट कोहली के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी, तो वहीं फिर पांचवें नंबर पर हम सभी को खेलते हुए ऋषभ पंत नजर आएंगे। ऋषभ पंत ने पहले टेस्ट मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को चौंका दिया था, तो वहीं फिर दोस्तों केएल राहुल को एक और मौका दिया जा रहा है। टीम में रविंद्र जडेजा और अश्विन को खेलते हुए दिखाई देंगे। इन दोनों ने पहले टेस्ट मैच में अपनी फिरकी से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और शानदार जीत दिलाई थी। कुछ ऐसे ही प्रदर्शन दूसरे मुकाबले में भी हर कोई इन दोनों गेंदबाजों से